हाय दोस्तों, कैसे हैं। टाटा स्टील के बारे में अपडेट लेके आया था। टाटा स्टील बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है और टाटा स्टील में कुछ न्यू पैटर्न भी फॉलो अप हो रहे हैं, तो सोचा आपको इसके लिए अपडेट करना जरूरी है, इसलिए टाटा स्टील पर आज अपडेट लेके आया। आज 23 फरवरी है और 22 फरवरी की जब क्लोजिंग देखेंगे आप, तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न के साथ ये एक दो बार नीचे भी फॉलो अप किया लेकिन ये जा नहीं रहा और 500 के ऊपर ही क्लोजिंग देने की इसकी पूरी इच्छा है। तो एक बार ये लगता है 519 की ओर ये जाएगा, 512-19 की ओर जाएगा। और एक चीज़ आपको क्लियर बता दें कि प्राइस पैटर्न, प्राइस फॉलोअप जो था इसका टाइम, वो अब खत्म हो चुका है लगभग, ऐसा दिख रहा है। और टाटा स्टील में अब आपको पोजीशन जरूर बनानी चाहिए, हर फॉल पे आपको अब एडिशन करनी चाहिए। ये अगर वापस 465 जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। मेरे अंदाज से आप जाना नहीं चाहिए, 480 400, एक बार 80 तक जा सकता है ये। 465 अब शायद आपको लो उसका जो है 441 का, ये तो देखने को शायद ही मिलेगा आपको। तो अब टाटा स्टील में मुझे लगता है कि बाइंग पैटर्न बनानी चाहिए आपको, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं। ऐसे भी मार्केट में आप देखेंगे प्रमोटर हर लेवल पे, अब हर जो फॉलोअप हो चुका है उसको बाइंग चालू कर दिया प्रमोटर, हर जगह बाइंग हो रही है, प्रमोटर खुद अब बाई कर रहे हैं क्योंकि प्राइस फॉल बहुत अच्छा खासा हो चुका है। अब एकदम एग्जैक्ट बॉटम बनाना और टारगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, फिर भी आप देखेंगे तो क्या वो टाटा स्टील क्या दिखा रहा है, क्या दिखाना चाह रहा था मैं आपको। तो टाटा स्टील अब देखेंगे तो एक ये 20 दिन का जो अभी मूविंग एवरेज है इसको ऊपर की ओर ले रहा था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न था कि जहाँ पे ये ऊपर की ओर ले रहा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये हर डबल टॉप जो बना रहा है, आप देखेंगे डबल टॉप यहाँ पे इसका डबल टॉप बन रहा था 496 के आसपास, 492-96 के आसपास, और मैंने आपको बोला था 496 के आसपास ये चांसेस है यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, और या ये फिर ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर की ओर जाकर के टेस्ट कर सकता है। तो अगर ये किसी भी हालत में 200 मूविंग एवरेज जो कि 537 आ रहा है, अगर इसको क्रॉस करता है तो वापस आपको 665 की ओर ये जाता हुआ दिखेगा अच्छा खासा। तो दूसरा एक इसमें पैटर्न है जो आप खुद देखिएगा, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक ये डब्लू पैटर्न बनाता है हर बार। तो आप देखिए यहाँ पे भी बना है डब्लू, उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एक डब्लू बना, फिर यहाँ पे तोड़ता है, ब्रेक करता है, जिस तरफ भी जाता है वहाँ पे या तो अपर साइड लेता है तोड़ता है पैटर्न को, तो या नीचे की ओर लेता है। अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक किया और फिर यहाँ पे एक डब्लू, यहाँ से ऐसे देखिए ये डब्लू यहाँ पे बना है, फिर ये डब्लू बनाने की कोशिश की, यहाँ से उठा नहीं और यहाँ से ब्रेक हो गया, और फिर यहाँ पे से एक बार अप लिया। अब फिर यहाँ पे जब अप लिया तो यहाँ पे फिर डब्लू बनाने के लिए उठा, फिर यहाँ से फॉल आ गया, तो ये फॉल हुआ। लेकिन अब अभी आप देखेंगे रिसेंटली तो ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे ये वापस ऊपर की ओर ले रहा है और ये एक वापस एक डब्लू फॉर्म कर रहा है, मतलब अपने पैटर्न को वापस फॉलो अप करना चाह रहा है। ये हो सकता है ये अगर चीट कर रहा होगा तो ही आपको वो 441 के नीचे जाएगा और 462 के नीचे जाएगा, अदरवाइज मेरे अंदाज से ये 400 यहाँ से वापस एक छोटा सा बाइक लेके वापस ऊपर की ओर जाना चाहिए इसको। तो अगर 436 तोड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया 200 मूविंग डेज का इसका जो एवरेज है 436, तो एक बहुत ही अच्छा मूव आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। 536 लेवल दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 536, ये देखिए ये अगर तोड़ता है तो आपको 20 डेज का क्रॉस करेगा, ऑलरेडी 20 डेज में ऊपर की ओर ये जा ही रहा है। और अगर मैं आपको MACD लाइन भी दिखा दूँ, MACD लाइन दिखाऊँ आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये भी एक देखेंगे तो अब ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप देखिए ये ऊपर की ओर क्रॉस करते हुए यहाँ सपोर्ट लेते हुए यहाँ फॉल करना था, फॉल नहीं किया, एक नए सपोर्ट की ओर ऊपर की ओर जा रहा है, इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल चुका है, ये जीरो से ऊपर की ओर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट से जरूर पोजीशन बनानी चाहिए, एक अच्छा पैटर्न है और फॉल होगा। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही दिखा रहा था, ये 536-530 के आसपास जाता है, तो 519 जो है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पे भी देखें तो 512-519 पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। ये देखिए 512 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखते हैं तो 512 से यहाँ से इसको ऊपर लेता है तो ये 557 तक की जर्नी को तय कर सकता है। तो 512 एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे भी ध्यान रखिए, और 536 जो उसका 533 जो उसका 200 डेमा है वो जरूर से जरूर ध्यान रखिए, अगर वो क्रॉस करता है और एक दो दिन के लिए स्टे करता है
तो आपको फिर 630 तक के लेवल को देखने को मिल सकते हैं। मेरे अंदाज से किसी भी हालत में प्राइस पैटर्न पे जो इसने नीचे का बॉटम फॉल चालू कर दिया है और नीचे के पैटर्न को जो वापस इसने गेन करना चालू कर दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से मुझे लगता है कि अब ये देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पे फॉल करके यहाँ ऊपर जाता है और जब इसको नैरो करते हैं तो आपको देखिए ये डब्ल्यू अच्छा दिखता है। मीन्स जो ये अपने पैटर्न को खोया था वापस गेन करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वापस अपने पुराने पैटर्न पे गेन करने की कोशिश करता है तो वहाँ से आपको पॉजिटिवनेस दिखता है। ऐसे भी देखेंगे तो आप वॉल्यूम इसमें अच्छे खासे 1,54,00,000 की हो रही है, 1 करोड़ ट्रेडर ही वॉल्यूम हो रही है क्योंकि डिलीवरी कम है इसका, तो ट्रेडर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो रहा है, प्राइस अप के साथ जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेडर पोजीशन भी समझ सकते हैं, हो सकता हो। तो दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर ट्रेडर पोजीशन हो तो ट्रेडर जब बाहर निकलेंगे तो पोजीशन गिरेगा। लेकिन और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए ये हर दिन जो हो रहा है ये 20 डेज जो इसका मूविंग है, 20 इसका जो मूविंग है उससे ऊपर की ओर वॉल्यूम हो रहा है, तो ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि आपको ये बाइंग सिग्नल है, क्योंकि आप जो वॉल्यूम हो रहा है ह्यूज हो रहा है और इसको तोड़ते हुए ऊपर की ओर हो रहा है। तो कहीं से भी जो मुझे लग रहा है कि आप 500 के बेस को ये अभी स्टे कर सकता है, नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है। तो टाटा स्टील में अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर मैं इसको डेरिवेटिव के भी पोजीशन को एक बार देख लूँ, टाटा स्टील के डेरिवेटिव के पोजीशन को देखूँ जा करके, तो जस्ट अगर 28 फरवरी के मैं क्लोजिंग को देखूं 22 तारीख को, तो आप देखेंगे यहाँ 500 पे 500 की ओर प्लस पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ एट द मनी 502 है, तो यहाँ पे देखेंगे 46,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है और यहाँ पे 7,000 माइनस है, लेकिन 74,00,000 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है, इसको रेजिस्टेंस है 500 पे एक दिखा रहा है, 500 पे अच्छा खासा सपोर्ट, इनफैक्ट 510 से अनवाइंडिंग भी हो रहा है और 520 पे पोजीशन बन रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ के अनुसार तो थोड़ा डिफिकल्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे ऊपर की ओर थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। नीचे की ओर आप देखेंगे तो 490 पे अच्छा खासा सपोर्ट है इसको, और नीचे फिर सारे अनवाइंडिंग हो रहे हैं, तो 490 अगर तोड़ेगा तो अच्छा खासा आपको प्रॉब्लम आएगा, जो कि दिखता नहीं है तोड़ते हुए। और अगर मैं इसी को एक बार जाकर के मार्च का पोजीशन देखो क्या बन रहा है, तो मार्च में आप देखेंगे तो 560 तक के पोजीशन में बाइंग चालू हो गई है, और सबसे ज़्यादा 530 तक के पोजीशन पे 101 पे पोजीशन हो रहा है। तो वही जो 200 मूविंग एवरेज था 530, वहीं पे आप देखेंगे 200 मूविंग डेज के ऊपर सबसे अच्छी पोजीशन बनाई हुई है। तो चूंकि यहाँ एक्सपायरी है, हो सकता है कि 28 फरवरी में आपको अच्छी खासी व्यू नहीं दिख रही हो, बट यहाँ देखें तो पुट की ओर शॉर्ट हो रहा है मार्च वाले में, और यहाँ पे कॉल में बाइंग आ रही है, और 530 तक की वॉल्यूम जा रही है, 60,000 का ओपन इंटरेस्ट ओपन है। तो यहाँ से एक सिग्नल मिलता है कि शायद अब टाटा स्टील में जो था बॉटम लगभग बन चुका है। तो एक आप दो तरीके से समझ में आ रहा है, एक तो ये अपने पैटर्न को वापस गेन कर रहा है, दूसरा जहाँ से इसको फॉल करना चाहिए था, अगर फॉल करता तो यहाँ 496 से एक बार इसको फॉल ले लेना था, लिया नहीं, थोड़ा नीचे गया, डराया, वापस ऊपर गया, वापस डराया, वापस ऊपर गया, तो ये गिरने को थोड़ा सा नहीं लगता है, हिम्मत है। और कैंडल के बड़ी को भी देखेंगे ना, तो जो नीचे स्ट्राइक है ना वो ज़्यादा नहीं है, बड़ी ऊपर है, ऊपर स्ट्राइक कम है, मीन्स ये ऊपर जा रहा है और उसी की ओर कवर रहना चाहता है, और इसके स्ट्राइक जो इसके स्पाइक थे इसको किए ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। तो ये एक अच्छा पोजीशन है, 497 पे देखिए ओपन होता है 22 फरवरी को, 504 का हाई लगाता है, लो भी जाता है 492 का, वापस जाता है गेन करता है और 502 की क्लोजिंग देता है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ बाइंग का दिख रहा है, और बाइंग पैटर्न है, 20 को क्रॉस कर रहा है, MACD प्लस है, तो हो सकता है कमिंग डेज में आपको ये 530 की ओर जाता हुआ दिखे, और 200 मूविंग एवरेज डेज जो आपको बताया 536 का है वो अगर क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी, और वापस आपको अच्छा खासा गेन भी देखने को मिल सकता है। तो अब वॉच 536 को वॉच लिस्ट के रूप में लगा के रखे हैं, आपको फायदा होगा। मेरे अंदर से टाटा स्टील में अब आपके पोजीशन को एक्यूमुलेट करना चाहिए, बड़ा जाइंट है, अच्छा जाइंट है, टेक्निकली फॉल मेरे को लगता है अब यहाँ से कंप्लीट होता हुआ दिखता है, कि अब जो टेक्निकली फॉल होना चाहिए वो अब शायद क्लोज होते हुए दिख सकता है। तो टाटा स्टील में अगर जाता है वापस नीचे की ओर तो आप अपने पोजीशन 465 अगर जाता है जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी दिन एक स्पाइक ले सकता है वापस, लेकिन एक स्पाइक के रूप में आएगा, अब वॉल्यूम के साथ नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो फिर स्टडी अपन देख लेंगे वापस,
लेकिन जो पैटर्न जो गेन किया है ना, ये अच्छा पैटर्न गेन किया, क्योंकि इसको यहाँ से क्लोज करके नीचे लेता तो शायद एक नया पैटर्न बनाता नीचे की ओर, बट ये नीचे नहीं किया और इस पैटर्न के ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। एक अच्छा चीज़ है टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील में वॉच लिस्ट, ये मेरा ओपिनियन है कि टाटा स्टील में जो प्राइस फॉल था अब बॉटम बन चुका है, और अब मान के चलिए किसी भी हालत में 441 के नीचे नहीं जाएगा ये अभी, इनफैक्ट 465 के नीचे नहीं जाएगा। तो 465, 480 ये सब पे अगर आता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए टाटा स्टील में। 530, 565, 630 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 1.5 से 2 साल के अंदर में आपको 600 प्लस का पोजीशन आपको दिखा सकता है ये। तो टाटा स्टील में पॉजिटिव व्यू था क्योंकि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा, वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू बाइंग वॉल्यूम आ रही है, ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न था। 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्रॉस कर रहा है, काम कर रहा है, ये भी एक अच्छा है। तो अगर किसी को सपोर्ट लेना तो 485 का सपोर्ट जो 20 दिन का है, यहाँ पे आप चाहें तो एक सपोर्ट रूप में लगा सकते हैं और ऊपर की ओर बाइंग भी कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस 480 जो 480 दिखा रहा है ना, 480 मैं ओरिजिनल लाइन दिखा देता हूँ, 480 का ये 480 के सपोर्ट लाइन से आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वीडियो, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था और कुछ भी नहीं था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।